महाराष्ट्र के विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने विशालगढ़ अतिक्रमण मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि एक मस्जिद की जगह पर विवाद हुआ जो हिंसक हो गया है। ये दुखद है कि एक विशेष समुदाय के घर को निशाना बना गया है, जैसे सरकार की नींव के नीचे रेत खिसक गई है। हिंदू मुसलमान बनाकर अपना शहद भून रहे हैं। लोकसभा में हार से बौखलाई महागठबंधन सरकार धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए अपना सर नीचे लाने की पुरजोर कोशिश करी है। सरकार को खुलासा करना चाहिए कि यह दंगा किसने करा है, किसने इसका समर्थन किया, किसने इसे भड़काया है। विशालगढ़ के इंक्रोचमेंट को लेकर जो दो समाज आमने सामने आया था, विशेष रूप से विशिष्ट समाज को टारगेट करके इंक्रोचमेंट निकालने के काम नाम पे एक धार्मिक और जातीय तनाव जो निर्माण हुआ और जो हिंसक तनाव हुआ, उसके लिए ये सरकार, महायुति की सरकार जिम्मेदार है। सरकार को जब महाराष्ट्र में पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बड़ा पराजय हुआ तो इन्होंने अभी नया टैक्टिक्स अपनाई है, आपस में धर्मों को जातियों को लड़ाकर और दोनों समाज में धार्मिक तनाव निर्माण करते हुए इससे रोटी सेकने का काम सरकार करने जा रही है। और ये मैं कहूँगा कि ये सरकार पुरस्कृति ऐसे दंगल अभी इलेक्शन के चुनाव के नजर रखते हुए इन्होंने शुरू की है। ये तो शुरुआत है, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे हिंसक घटनाएं ये सरकार के माध्यम से, सरकार के कुछ नेता के माध्यम से रोटी सेकने के लिए यह हो सकता है। और विशाड़गढ़ को लेकर जो जिस मस्जिद के सामने से घटना शुरू हुई, विशाड़गढ़ के नीचे में जिस गांव को टारगेट किया गया वो कोई वजह ही नहीं थी, पर उन्होंने विशिष्ट धार्मिक धर्म के लोगों को लेकर टारगेट करके जो हिंसा की, गाड़ियां और घर जलाए, मोटरसाइकिल जलाए, और जिस तरह से उन्होंने वहां एक दंगल बनाई, तो इसे सरकार क्या आंखें बंद करके रही? सरकार क्या कानून सुव्यवस्था देखने में सरकार को सरकार का ध्यान नहीं है, या सरकार ये कानून सुव्यवस्था पे कंट्रोल करना नहीं चाहती, या जो इस तरह के धार्मिक जो दंगल होती है या हिंसा होती है उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार नहीं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार हो इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र के लिए शोभा नहीं देता। चुनाव में पराजित होने के बाद पार्लियामेंट के, अब इन्होंने ये शुरुआत की है, महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं वो कर सकते हैं ताकि जातीय तनाव बढ़े और उसके ऊपर रोटी सेक सके, ये सरकार की मंशा है और सरकार की वही भूमिका इस माध्यम से दिखती है।